हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट फोर एवल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो यहां पर बनाई गई थी कि कल खुलते ही ग्यारह स्टॉक यहां पर क्रैश होंगे कहीं आपके पास तो नहीं है इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ऐसे ही ग्यारह स्टॉक ही बताऊंगा ओके और ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं बट मोस्टली ग्यारह ट्राई करूंगा ग्यारह स्टॉक्स आपको ऐसे बताऊंगा जो मार्केट खुलते ही साथ भागना शुरू कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको इंटरडे में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं तो ग्यारह स्टॉक

इस तरीके की वीडियो आपको यहाँ पर मिलते भी रहे और इस तरीके के स्टॉक टाइम से, से पहले मिल जाए और यहाँ पर एक स्टॉक बताया गया है जहाँ पर हमने तैंतीस रुपये में बताया था तो आ, चार से पांच महीने में डबल हो गया ओके और अब बात कर रहे हैं और आठ महीने में डबल से ज्यादा हो गया अगेन यहाँ पर अड़सठ रुपए पर शेयर चल रहा है अगेन बता रहा हूँ डेढ़ सौ रुपए से ज्यादा ये शेयर जाएगा तो आइए वीडियो की तरफ जानते हैं और यहाँ पर इधर तो मैंने आपको बताया था इसी को आप फॉलो करके इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि किस वजह से मैं शेयर बता रहा हूँ बट सीधे नाम बताऊंगा टेक्निकल बताऊंगा और यहाँ पर चीजों को खत्म करेंगे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सनलॉक की ओके सनलॉक ये स्टॉक है सुनील हेल्थ केयर इसकी तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है ओके इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है और यहाँ पर ये स्टॉक्स ही मार्केट ओपन होगी तो यहाँ तक भागता हुआ दिखाई दे सकता है अच्छी खासी यहाँ पर गैप आ सकता है बट ये रजिस्ट और ये क्रॉस किया तो याद रखिए चीजें यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी और कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर इंटरडे कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के करना है और बहुत सारी चीजें होती है उसे चीज को यहाँ पर देख के आपको करना है तो यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है ये सपोर्ट की लाइन है इस सपोर्ट की लाइन पे भी आप ध्यान दीजिएगा ये इसका आपका क्या रहेगा ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस तो आइए एक स्टॉक ये हो गया इसके अलावा हम बात करेंगे वेसु ये एक स्टॉक है मैं आपको बता देता हूं एक मिनट दीजिएगा बस हम्म देखिए ये रहा वेसु वीएस इंडिया वेसु वीएस इंडिया इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा ओके ये शेयर आपको कल मार्केट ओपन होते ही साथ आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सपोर्ट है ओके ये जिस तरीके से चल रहा है अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है ओके ये इसका आप अगर इंटरडे कर रहे हैं तो याद रखिए नौ सौ आपको नौ सौ पचास का स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा इसके बेस पे आपको इंटरडे करना है और इसमें ये जो लेवल है ओके इधर तक आके शायद एक कुछ दिनों में आए या कभी भी आए इस लेवल पर आके

टेनफैक्ट इंडस्ट्री ये स्टॉक्स मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था ओके जब मैंने आपको यहाँ बताया था उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली आई थी उसके बाद सॉरी यहाँ पर ही बताया था ये यह शेयर यहाँ पर भागा था लगातार अपर सर्किटी लगते हुए दिखाई दिए थे उसके बाद गिरा कंसोलिडेट किया अगेन यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहां पर यहाँ पर खड़ा हुआ है ये शेयर ओके यहाँ पर अगर मैं आपको स्टॉप लॉस की बात बताऊँ तो यहाँ पर जो इसका लो था इधर यहाँ पर इस लो पर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइएगा बाकी चीज कल का रिजल्ट रिजल्ट अच्छे खासे है जब ये शेयर भागे तो यहाँ पर इसका ये रजिस्टेंस बन जाएगा इसको क्रॉस किया तो अच्छा खासा ये भागता हुआ नजर आएगा और प्राइज मूवमेंट नाम की चीज़ होती है तो इंटर में हमेशा प्राइज मूवमेंट ही चीज दिखाई देती है उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना पड़ता है ये सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जब यहाँ पर हम टेक्निकल की वीडियो बनाएंगे तब ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताता हुआ दिखाई दूंगा तो रजिस्टेंस ये है ये क्रॉस किया तो चीज़ें और भागती हुई दिखाई दे सकती है और कंपनी का जो यहाँ पर अगर बात करें ये एक बेहतरीन सपोर्ट पे है नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ये है और यहाँ से अगर और गिरता हुआ दिखाई देता है तो चीज़ें यहाँ तक आ सकती है और इसके आसपास ओके चार सौ से चार, सो चार सो के आसपास चीजें मिले तो यहाँ बाइंग करने की कोशिश करिएगा और यहाँ पर पोजिशनल बेस पर यहाँ पर चीज़ें और अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है ध्यान देना है इसके बाद हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की सुंदरम क्लेटॉन सिन्दर क्लेटॉन की हम बात करेंगे बेहतरीन शेयर अच्छे रिजल्ट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है ये शेयर और कंसोलिडेशन की बात करें एक लंबा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आ, आ, अगर इसे पोजिशनल बेसिस पर भी आप खेलना चाहें तो पोजिशनल बेसिस पर खेल सकते हैं ओके यहाँ पर यह शेयर अगर इस रेंज में आ जाता है पैंतीस सौ तिरासी के आसपास या फिर ये छत्तीस सौ के आसपास इसके आसपास मिलता है तो आप बाइंग करने की सोचिएगा और यहाँ पर अभी अगर इंटरडे करना जा रहे हैं तो ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के लेवल पर यहाँ तक टच करके चीजें नीचे आ सकती है क्योंकि ऐसा ही होता हुआ नजर आता है और इस लेवल को अगर इसने निकाला तो याद रखिए एक रैली होती हुई दिखाई देगी जो इसे छियालीस तक भी ले जा सकती है तो नीचे आने पर ध्यान दीजिएगा और पूरी की पूरी जितने भी स्टॉक बता रहा हूं सबकी वीडियो बनाऊंगा एक एक करके बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ओके और जब जब यहां पर नीचे आएंगे ये शेयर तब तो बताऊंगा ही बताऊंगा तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है इसके अलावा एक और शेयर है स्टोबैक ओके स्टोबैक इंडस्ट्री इस, इस शेयर की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखिएगा इसे बाइंग सेलिंग या कुछ भी करने की अभी मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ ओके okay, इंटरडे करने की भी राय नहीं दे रहा हूँ क्यों 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 क्रूशल लेवल पर खड़ा हुआ है और यहाँ से अगर ये गिरता है तो चीजें और नीचे आ सकती है और आके यहाँ पर इस लेवल तक आ सकती है इस लेवल पर आएगी ओके okay, तब वीडियो बनाएंगे तब एक बार आप भी पूछ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो यहाँ पर ध्यान में कभी कभी नहीं आते तो यहाँ पर ऊपर जब जाएगा तो एक अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे और शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ पर पोजिशन बेसिस पर खेलिएगा इंटरटेक करने की बिल्कुल थोड़ा सा मत सोचिएगा बाकी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है तो इसे आप पर ध्यान रखना है इसके अलावा एक और स्टॉक के रिलेटेड हम बात करेंगे स्टॉक स्कैन स्टील से रिलेटेड इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है इस शेयर की तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है ओके okay, कुछ स्टॉक्स यहाँ पर ये यह ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट पे खड़े होते हैं ना तो ब्रेकआउट तो कम होते हुए दिखाई देते हैं बट पर गिरते हुए काफी ज्यादा दिखाई देते हैं बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो मूवमेंट था वो एक काबिल तारीफ था इस शेयर को अपने इडार पर रखिए नए नए स्टॉक्स है आपको बता रहा हूँ बी पे मिलेगा स्कैन स्टील ओके और यहाँ पर अगर ये शेयर यहाँ पर जो इसका लेवल है इसे यहाँ पर तोड़ता है तो चीजें यहाँ पर बिगड़ सकती है और नीचे तक आ सकती है और इस लेवल पे अगर मिले तो यहाँ पर इंटर और मेटल के स्टॉक थोड़े से यहाँ पर आ, नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मेटल में जैसे ये स्टॉक नीचे आते हैं तो रैली खत्म नहीं हुई है याद रखिए रैली खत्म नहीं हुई है ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे बट नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये ये पर बेसिस पर बेसिस बता रहा हूं, जब ये जाएगा तो रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे यहां पर ब्रेक ब्रेकआउट डाउन ब्रेक या फिर ब्रे, आ, ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है स्कैन स्टील हो गया इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे जिसका सॉरी एक मिनट दीजिए यहां पर एक स्टॉक और है सूरत वाला ओके okay, यहाँ पर सूरत वाला बिजनेस ग्रुप इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा इंटर डे में भी बता रहा हूँ okay, लॉन्ग टर्म अभी अभी उस पर्पस से ही बता रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा चीजें भागती हुई दिखाई दे सकती है आ, काफी बेहतरीन रिजल्ट है ओके okay, मैं कल की रेट में अगर ये अ, 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 अपर सर्किट नहीं लगा इसमें तो मैं यहाँ पर खरीदने की सोच रहा हूँ इस शेयर को और यहाँ पर इसके टारगेट दो रुपए के टारगेट दो रुपए के टारगेट के आसपास जाके मैं यहाँ पर निकल भी जाऊंगा यहाँ पर इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है कंसोलिडेशन हो गया है चीजें यहाँ पर नीचे आई थी कंसोलिडेशन भी चल रही है और अच्छा खासा ये शेयर बाकी नीचे आया है सब कुछ अच्छा खासा नजर आता है इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड इस कंपनी का नाम है स्टॉप लॉस की बात करें तो ये मेरी ख्याल से अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस शेयर की तरफ इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ही ध्यान देना है आपको इसके अलावा एक स्टॉक की बात करता हूँ पोनी पोनी शुगर की तरफ आपको क्या देना है ध्यान देना है ओके क्यों क्योंकि ये बार बार यहाँ पर ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की भी इसके अभी रिजल्ट भी आया है रिजल्ट भी काफी यहां पर बेहतरीन है बट यहाँ पर याद रखिएगा ये शेयर का रेजिस्टेंस ये है तीन सौ अठारह तीन सौ टच करके नीचे आ सकता है उस टाइम पोजिशनल बेसिस के लिए आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और यहाँ पर कल की बात करूं अगर कल भी ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो ये दो सौ चौरासी रुपए तक शायद यहाँ पर भागता दे और यहाँ पर दो सौ चौरासी पे या और ऊपर भागा तो दो सौ चौरासी का यहाँ पर एक सपोर्ट

Um, सॉरी ये ये शेयर है। पैसा लो डिजिटल ये शेयर है है डिजिटल की तरफ आपको ध्यान देना कंपनी ने ईयरली बेसिस पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है ओके यहाँ पर इसका ये रेजिस्टेंस है तो अगर कल की तरफ भागता है तो देखिए अगर लगातार वो एक साथ ही पांच परसेंट दस परसेंट ओपन होता है तो उस टाइम ट्रेड नहीं बनता उस टाइम आप यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश भी मत करना क्योंकि ऊपर ले जाके चीजें फंसा देते हैं अगर यहाँ पर नीचे आ, नीचे आता है तो फिर उसके इसमें यहाँ पर यहाँ से भागना शुरू करता है तो आप उस केस में सोच सकते हैं रेजिस्टेंस की बात करूं आठ सौ पचहत्तर रुपए का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ओके और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस नजर आता है नीचे की लेवल की बात करूं आठ सौ अठारह का यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर काम करिएगा और ये शेयर आपको पोजिशनल बेसिस पे सात सौ सत्रह के आसपास मिलता है तो उस टाइम यहाँ पर बायो एंड डिप्स की रणनीति अपना के कर खरीदेगा तो अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं तो देखिए मैं आपको पोजिशनल भी बता रहा हूँ इन शेयरों में कि किस लेवल पे आपको एंट्री लेनी है मैं आपको इंटर डे भी बता रहा हूँ कि इंटर डे में आपको यहाँ पर क्या करना है इसके अलावा एक और स्टॉक है यहाँ पर लदम अफोर्डेबल हाउसिंग लिमिटेड इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा ये शेयर पैनी स्टॉक है याद रखिए ये कुछ मैंने ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कि यहाँ पर छोटे छोटे प्राइस के हैं पेनी स्टॉक है तो इन्हें पेनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट करिएगा इसके टारगेट की अगर मैं बात करूं सपोर्ट यहां पर सपोर्ट पांच रुपए उनतालीस पैसे के आसपास आ रहा है तो अगर आप चालीस पैसे या पचास पैसे का यहां पर रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह शेयर के जो टारगेट है ओके कुछ टाइम में मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं मैं पोलिश बेसिस पे बात कर रहा हूं तो ये शेयर आठ रुपए अड़सठ पैसे का टारगेट यहां तक आपको अचीव कर सकता है तो इस शेयर की तरफ भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा एक और स्टॉक है यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री ये भी यहाँ पर पेनी स्टॉक है मैं कुछ पेनी स्टॉक भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ तो इनकी तरफ ध्यान

हो सकता है ये हो भी सकता है तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी होती है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो 40 परसेंट पचास परसेंट के रिटर्न बनाना साल में कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना ये टारगेट है टारगेट Loss, सब चीज़ बताया है पोजीशनल बेसिस बताया है इंटरडे बेसिस पे बताया और यहाँ पर इन वीडियोस को जाके देखिए ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर है इस शेयर पे नजर रखिएगा इस वीडियो में भी कवर किया है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें और इन वीडियो को इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस